हाँ सीमा बोल। और कैसी है तू? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? भी बहुत अच्छी हूँ। और तेरा खाना पीना हो गया? नहीं अभी कहाँ। वो मेरा मेट था ना पुराना वाला, वो चला गया तो मैं अभी न्यू मेट का वेट कर रही हूँ। एजेंट था ना वो, उसको बोल दिया मैंने, वो भेजता ही होगा। मेट रात को आ रहा है? हाँ उसने बोला मुझे अर्जेंट था तो मैंने मंगवा लिया। अच्छा लगता है वो आ गया, मैं बाद में बात कर। चल बाय। बाय। जी जी राम राम मैम साहब, वो रोहित सर ने भेजा है हमको काम के लिए आपके पास। ओके ओके आ जाओ। जी जी वो मैम साहब, जी वो रोहित सर ने भेजा था काम के लिए। तुमको रोहित ने भेजा है? जी जी मैम साहब। ठीक है बात कराओ। हेलो। हाँ रोहित सर जी, हम पहुंच गए, मैम साहब से बात कर लीजिए। हाँ देते हैं। हाँ रोहित जी, आप ही ने भेजे ना इसे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे? अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा तो तुमको क्या क्या काम आते हैं? हमको खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना सब आता है। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ और अपना सामान इधर ही रख दो और मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना लो। जी मैम साहब। मैम साहब जी वो फ्रेश होने के लिए नल किधर है? वॉशरूम इधर है और किचन उधर है। जी मैम साहब। राजू कब तक तुम्हारी चाय बनेगी? जी मैम साहब बस लाया। ठीक है मैं बेडरूम में हूँ, मुझे चाय वहीं दे देना। जी मैम साहब लाता हूँ। जी मैम साहब गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। राजू तुम ऐसा करो, ये बेडरूम बहुत गंदा हो गया ना, थोड़ा साफ कर दो। जी 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 मैम साहब, वो कहते हैं ना रात में सफाई नहीं करनी चाहिए, कल सुबह मैं पूरा साफ कर दूंगा। नहीं अभी। जी मैम साहब, वो मैम साहब सफाई के लिए कट का कपड़ा वगैरह। वो नीचे वाला ले लो, वहीं कहीं रखा है देखो। हाँ मिल गया मिल गया मैम साहब, 2 मिनट में कर देता हूँ।
राजू। जी मैम साहब। ये कप रख दो। जी मैम साहब अभी आया। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो कोई बात नहीं मैम साहब, लाइए मैं कप रख देता हूँ। कपड़ा बदलना पड़ेगा मैम साहब जी, मैं कपड़ा बदल के आता हूँ। कोई बात नहीं मैम साहब, कपड़ा बदल देते हैं। दीजिए आपका कप भी रख देता हूँ, मैं कपड़ा बदल देता हूँ। हाँ तो यही बदल लो ना। नहीं नहीं मैम साहब जी, मैं कपड़ा बदल के आता हूँ। बोला ना यही बदल लो। जी ठीक है मैम साहब। जी मेम साहब, हमारा कपड़ा तो वहाँ है। इतना ठीक है, जाके कपड़े पहन लो। जी मेम साहब। राजू कपड़े पहन के जरा जल्दी यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मेम साहब, बस 2 मिनट में आया। जी मैम साहब। अरे वाह, शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। जी 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 मैम साहब। बैठो। जी मैम साहब। नहीं नहीं ठीक है मैम साहब। अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो। और राजू कहाँ रहते हो तुम? यहीं थोड़ी दूर में हमारा घर है। अच्छा, कितना पढ़े हो तुम राजू? हम 8वीं तक पढ़े हैं। ओह, अच्छे से बैठो ना आराम से, पैर ऊपर करके। तुम तो बहुत हैंडसम हो। जी मैम साहब। तुम्हें ये बात पता थी? जी नहीं मैम साहब। क्या कर दिया अब हमारे साथ राजू? हमें हाथ मत लगाइए। अरे कुछ नहीं हुआ राजू। नहीं आप हमें हाथ मत लगाइए, हम कहेंगे नहीं। हम तो आज शाम को ही काम करने आए थे और रात को ही आपने हमारे साथ। अब तो सुबह चले जाएंगे बस, सुबह होते निकल जाएंगे। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे गांव वाले हमको कहाँ बोलेंगे? पैसा कमाने गए थे और ये कहाँ करके आ गए? अरे पैसे तो तुम अभी भी कमाओगे ना। अरे तक कैसे पता चलेगा बताओ मुझे। रोहित सर को पता चल जाएगा तो हमें मारेंगे।
अरे रोहित सर को कैसे पता चला? तुम रुक जाओ यहाँ। नहीं नहीं, हम घर जाएंगे कल। ठीक है, गांव जाना है ना, तो सुबह चले जाना, अभी सो जाओ। अरे नहीं, इधर नहीं, ऐसे सोना, तकिए में सोना आराम से। हाँ? अब किसको भेजोगे? तो आपने उसका भी काम तमाम कर दिया? हाँ, इन सबको तो मरना ही है एक एक करके। अगर वो नहीं मरे ना, तो फिर से किसी लड़की के घर पे जाएंगे और उसका भी रेप करेंगे। इसलिए उन लोगों को मरना होगा, वो भी मेरे हाथ।